नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के 5 सवालों को, तो ध्यान से समझना। तो देखिए, अभी तक हम एक टेबल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 0, 30, 45, 60, 90 अंश की त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा। तो हमें इस टेबल का प्रयोग करते हुए सवालों को हल करना है। तो देखिए, प्रश्न एक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहला सवाल दिया गया है sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इन सवालों में हमें कुछ नहीं करना, मान रखना है sin 60 का मान, cos 30, sin 30 और cos 60 का मान। तो देखिए, यहाँ sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान करणी 3/2 होता है, फिर sin 60 का मान करणी 3/2, cos 60 का मान 1/2 होता है। ये सभी मान हमें रखने होंगे, तो हम मान रखते हैं। तो देखिए, पहले है sin 60, और sin 60 का मान होता है करणी 3/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा माना जाएगा। फिर cos 30 का मान करणी 3/2 होता है, फिर प्लस sin 30 का मान 1/2, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, गुणा cos 60 का मान भी होता है 1/2। आगे हम सॉल्व करेंगे तो करणी 3 और करणी 3 का गुणा, 3 बाहर, 2 का 2 से गुणा किया 4, और फिर प्लस है 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 और 2 का गुणा किया तो 4 आएगा। और फिर देखिए, दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का 3 से कर दो तो 3 एकम 3, 4 का 4 में एक बार, 1 का 1 से कर दो तो 1। अब देखिए, आगे यदि हम देखें तो 3 और 1 हो गए 4, तो 4/4 आ गया, और 4/4 को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, क्योंकि 4 का 4 में भाग 1 बार, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट मान 1 है। तो पहला सवाल कंप्लीट हुआ। तो ये रहा सेकंड सवाल। तो सवाल क्या है, 2 tan² 45 + cos² 30 अंश - sin² 60 अंश। तो यहां पे हमें tan 45 cos 30 और sin 60 के मान रखने होंगे। तो देखिए, यहां पे tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान करणी 3/2 होता है, sin 60 का मान करणी 3/2 होता है। तो देखिए, हम मान रखते हैं, तो सबसे पहले 2 को तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। फिर देखिए, tan 45 का मान कितना होता है 1, इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग तो लगाना ही पड़ेगा। फिर प्लस cos 30 का मान होता है करणी 3/2, और इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग तो आप लगाएंगे। -sin 60 का मान भी होता है करणी 3/2, और इस पे वर्ग लगा है तो इस पे भी हम वर्ग लगाएंगे। अब देखिए, पहले हम वर्ग को सॉल्व करते हैं, तो 2 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस करणी 3 का वर्ग 3 बाहर, और 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस करणी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 होगा। अब यहां पे देखिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3/4 -3/4, यहीं पे हम इनको काट देते हैं, क्योंकि एक धन का है एक ऋण का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। उत्तर कितना हो गया फिर, 2। अतः अभीष्ट मान 2 है। तो सेकंड सवाल भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पे हमें cos 45 sec 30 और cosec 30 के मान रखने पड़ेंगे। तो यहां पे देखिए, cos 45 का मान 1/2 है, और यदि cosec 30 का मान देखें तो 2 है, और sec 30 का मान देखें तो 2/3 है। तो देखिए, हमने मान रखा cos 45 का मान 1/2, sec 30 का मान 2/3, cosec 30 का मान 2।
अब देखिए यहां सॉल्व कैसे आप करेंगे। देखिए यहां करणी 2 है बटे में और यहां पे करणी 3 है बटे में, तो आप क्या करें, बटे की संख्याओं को अलग कर दें। तो इन बटे वाली संख्याओं को कैसे अलग करेंगे, ध्यान देना, करणी 2 है बटे में तो करणी 2 का हम अंश और हर के प्रत्येक पद से गुणा कर देंगे, करणी 3 है बटे में तो करणी 3 को हटाने के लिए करणी 3 का भी हमें गुणा करना पड़ेगा, मतलब हमें करणी 2 और करणी 3 दोनों का गुणा करना होगा। तो देखिए ऊपर है 1 बटे करणी 2, इसमें हम करणी 2 करणी 3 दोनों का गुणा यदि करेंगे तो करणी 2 तो कट जाएगा ना, 1 का गुणा करणी 3 से होगा तो केवल यहां पे करणी 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 बटे करणी 3 में करणी 2 और करणी 3 से जब आप गुणा करेंगे तो करणी 3 कट जाएगा, 2 का गुणा करणी 2 से होगा तो यहां पे 2 करणी 2 आ जाएगा। फिर है प्लस, अब देखिए 2 2 में भी तो हमें गुणा करना होगा करणी 2 और करणी 3 का, तो यहां कोई संख्या नहीं कट पाएगी क्योंकि बटे में है ही नहीं, तो यहां तो 2 तो रहेगा लेकिन करणी 2 इंटू करणी 3 को आप इकट्ठा गुणा करके एक करणी में लिख सकते हो, 3 दूनी 6, तो यहां पे 2 करणी 6 आ गया। अब देखिए चाहे तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हमें इस हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे किया जाता है, तो देखिए जो संख्या है उस संख्या में हम क्या करते हैं, जो हर है उस हर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना यदि बीच में कोई चिन्ह लगा है तो वो चिन्ह बदल देते हैं, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, तो यहाँ 2 करणी 2 - 2 करणी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यही संख्या यहाँ पे बटे में रहेगी। तो ध्यान देना बटे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं बस चिन्ह बदलकर। अब देखिए आगे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो करणी 3 का गुणा इससे और इससे करेंगे, तो देखिए करणी 3 का गुणा हमें 2 करणी 2 से करना है। अब गुणा कैसे होता है, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो 2 तो बाहर हैं, बाहर ही रहेंगे, 2 और 3 का अंदर अंदर गुणा होगा तो 2 3 6 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे माइनस तो आएगा, देखिए यहां करणी 3 का गुणा हम कर रहे हैं 2 करणी 6 से, तो 2 तो बाहर रहेंगे और 6 और 3 का गुणा होगा तो 6 3 18 आ जाएगा। और बटे में यदि हम देखें तो बटे में हमेशा जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो एक सर्व समीका बनती है a प्लस बी ए माइनस बी वाली, और यह सर्व समीका क्या होती है, यदि a प्लस बी ए माइनस बी है तो बराबर में a वर्ग माइनस b वर्ग हो जाता है। तो a वर्ग मतलब यहाँ a है 2 करणी 2, तो 2 करणी 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस b वर्ग मतलब है 2 करणी 6, तो यहाँ 2 करणी 6 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने करणी 3 का इन दोनों से गुणा किया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाली सर्व समीका a वर्ग माइनस b वर्ग लगा देते हैं। आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 करणी 6 को तो आप वैसे ही लिखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पे करणी 18 के गुणनखंड होते हैं, तो देखिए 2 करणी 18 है, 18 की जगह 18 के गुणनखंड यदि आप रखेंगे तो 18 के गुणनखंड 2 3 6 3 18, देखिए 3 की जोड़ी बन जाएगी तो 3 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आएगा तो 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 अकेला अंदर बचा है तो 3 9 6 करणी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने फिर 6 करणी 2 लिख दिया है। और बटे में देखिए बटे में क्या है, 2 करणी 2 का वर्ग है, तो देखिए 2 करणी 2 का वर्ग मतलब इसका डबल बार गुणा, 2 का गुणा 2 से करते हैं 4, करणी 2 और करणी 2 का गुणा होता है 2 बाहर और 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 8 माइनस 2 करणी 6 का वर्ग, तो 2 करणी 6 गुणित 2 करणी 6, 2 और 2 का गुणा तो हो गया 4
और यहां करणी छह और करणी छह का छह बाहर हो गया और छह चौके 24 हो गया, तो यहां पे फिर कितना आ गया 24। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां दो यहां छह है तो दो कॉमन आ जाएगा ऊपर से, दो कॉमन यदि आप लेंगे तो यहां पे करणी छह बचा होगा माइनस, छह में से दो कॉमन निकालेंगे मतलब छह में दो का भाग देंगे तो तीन बार जाएगा, तीन करणी दो आएगा। नीचे यदि हम घटाते हैं तो आठ में से 24 घटाएंगे माइनस के 16 आएंगे, और देखिए यहां दो से 16 कट सकते हैं तो आठ बार काट देना क्योंकि आठ बार कटेंगे, करणी छह माइनस तीन करणी दो आएगा और बटे में कितना आ गया माइनस आठ। देखिए चाहे तो आप यही आंसर लिख सकते हैं या फिर माइनस चिन्ह हमेशा ऊपर लगाया जाता है, तो माइनस चिन्ह ऊपर लगाएंगे तो नीचे तो फिर प्लस के आठ होंगे, और माइनस चिन्ह ऊपर यदि लगेगा तो माइनस के करणी छह रहेंगे जो कि हम पीछे लिख देते हैं, और तीन करणी दो जो माइनस के हैं वो प्लस के रहेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह का गुणा ऊपर हो जाएगा ना, तो करणी छह माइनस के हो जाएंगे, तीन करणी दो प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे थर्ड सवाल का आंसर, और हम अंत में लिख देंगे अतः अभीष्ट मान ये है। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगला चौथा सवाल लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें साइन 30, टेन 45, कोसेक 60, सेक 30, कोस 60 और कोट 45 के मान रखने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पे साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है, और फिर यहाँ कोसेक 60 का मान 2/3 होता है, और सेक 30 का मान भी 2/3 होता है, और कॉट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो हमने ये सब के मान रखे, साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 1 होता है माइनस कोसेक 60 का मान 2/3, सेक 30 का मान 2/3, कोस 60 1/2, कॉट 45 1 होता है। अब देखिए इस सवाल को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बटे में 2 है, बटे में करनी 3, बटे में 2, बटे में करनी 3, तो हम पहले बटे वाली संख्याओं को हटाएंगे। तो बटे में 2 है तो 2 का गुणा अंश और हर के प्रत्येक पद में करेंगे, करणी तीन है बटे में तो करणी तीन का भी गुणा हम अंश और हर के प्रत्येक पद में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1/2 में हमें गुणा करना है 2 का भी करणी तीन का भी, तो 2 से 2 तो कट गए, केवल आएगा यहां पे करणी तीन प्लस। अब एक में, इस एक में हमें गुणा करना है 2 का और करणी तीन का, तो यहां 2 करणी तीन ही आ जाएंगे, फिर माइनस। अब 2/3 में, 2/3 में हमें 2 करणी 3 से गुणा करना है, तो करणी 3 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब फिर 2/3 में फिर करना है, तो 2/3 में हम 2 करणी 3 से गुणा करेंगे, करणी 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा। फिर है प्लस 1/2 में करेंगे, तो 1/2 में जब हम 2 करणी 3 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का करणी 3 से करणी 3 आएगा। फिर 1 में करेंगे तो देखिए 1 में 2 करणी 3 से जब गुणा करेंगे तो यहां 2 करणी 3 ही तो आएगा। अब देखिए और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो करणी 3 और 2 करणी 3 इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है, ध्यान से समझना। जैसे हमें पता है 1x और 2x जोड़ते हैं तो 3x होता है, करणी भी x की तरह काम करती है, तो करणी 3 इसके आगे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, और 2 करणी 3, तो यहां पे करणी 3 तो वही रहता है क्योंकि अंदर की संख्या ना तो जुड़ सकती है ना घट सकती है, उसके गुणांक ही जुड़ते हैं, तो यहां 1 माना जाएगा, 1 और 2 3, तो 3 करणी 3 हो जाएगा। तो यहां पे 3 करणी 3 माइनस 4, क्योंकि 4 में कोई संख्या नहीं जोड़ पाएंगे। अब देखिए यहां पे देखें यदि, तो यहां 2 करणी 3 और 1 करणी 3 ये हो गया, तो यहां भी 3 करणी 3 और यहां पे लेकिन प्लस 4 है, तो प्लस 4 हमने लिखे।
अब देखिए यही आंसर आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, यदि बटे में करनी है तो हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है? नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के बीच वाला ऊपर नीचे गुणा करना है। तो देखिए 3 करनी 3 प्लस 4 है, तो इस प्लस को माइनस कर देंगे तो 3 करनी 3 माइनस 4 बटे 3 करनी 3 माइनस 4, तो इससे हम अंश और हर में गुणा करेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 3 करनी 3 का 3 करनी 3 से होगा, फिर इसका 4 से, फिर 4 का इससे, फिर 4 का 4 से। तो देखिए 3 करनी 3 का गुणा हमें करना है 3 करनी 3 से, तो बाहर का बाहर गुणा होता है 3 3 का 9, अंदर का अंदर। तो करनी 3 से करनी 9 होगा, लेकिन करनी 9 मतलब 3 बाहर, तो हम सीधा कह देते हैं करनी 3 और करनी 3 का 3 बाहर और 9 3 27 हो जाएगा। फिर 3 करनी 3 का माइनस 4 से करेंगे, तो 3 करनी 3 का जब 4 से करेंगे तो 4 3 12 होगा, करनी 3 का करनी 3, तो 12 करनी 3 हो गया। फिर -4 का भी फिर 3 करनी 3 से करोगे तो फिर माइनस के 12 करनी 3 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 से करोगे 16, माइनस और माइनस प्लस के 16 हो जाएंगे। और यहां पे नीचे देखें तो फिर सर्वसमिका a+b a-b वाली, तो a+b a-b बराबर a² - b² होता है। तो a² मतलब यहां पे 3 करनी 3 का वर्ग माइनस b² मतलब यहां पे 4 का वर्ग हो जाएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करते जाएंगे तो देखिए यहां पे 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, माइनस 12 करनी 3 और 12 करनी 3 हो गए 24 करनी 3 हो जाएंगे। अब देखिए 3 करनी 3 का वर्ग करेंगे, अभी अभी हमने वर्ग करके बताया 3 करनी 3 का 3 करनी 3 से, तो 3 3 का 9, करनी 3 और करनी 3 का 3 बाहर, और फिर 9 3 27 हुआ था, तो यहां 27 माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर की संख्या तो सॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन नीचे की संख्या 27 में से 16 घटाएंगे 11 आ जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। और हम अंत में लिख देंगे अतः अभीष्ट मान यह है। तो चौथा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अगला पांचवा सवाल है, तो यहां पे हमें cos 60, sec 30, tan 45, sin 30 और cos 30 के मान रखने पड़ेंगे। तो देखिए sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान करनी 3/2 और cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है और sec 30 का मान होता है 2/करनी 3। तो देखिए हमने सबके मान रखे 5 लिखा, फिर cos 60 का मान 1/2, वर्ग लगा है तो वर्ग लगाया, फिर 4 लिखे, sec 30 का मान 2/करनी 3, वर्ग है तो वर्ग लगाया, tan 45 एक वर्ग लगाया, sin 30 1/2 वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस cos 30 का मान करनी 3/2 इस पे भी वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 तो वैसे ही रहेगा, 1/2 का वर्ग कितना होता है 1/4 होता है, फिर 4 वैसे ही रहेगा, 2/करनी 3 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, करनी 3 का वर्ग 3 बाहर आ जाते हैं, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, और यहां पे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, और यहां पे प्लस करनी 3 का वर्ग 3 बाहर और 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब आप ध्यान देना यहां बटे में 4 बटे में 3 बटे में 4 बटे में 4, इनको हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाते हैं? 4 है बटे में तो 4 का हम अंश और हर के प्रत्येक पद से गुणा कर देंगे, लेकिन 3 भी तो हटाना है, तो हमें 4 और 3 दोनों हटाने हैं, तो हम 4 और 3 दोनों के एलसीएम 12 का गुणा अंश और हर के प्रत्येक पद से कर देंगे। तो देखिए 5 × 1/4 है, इसमें यदि आप 12 से गुणा करोगे तो 4 3 12 3 बार कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15 हो जाएगा,
तो यहां पे कितना आ गया 15 और फिर प्लस, अब देखिए आगे क्या है, 4 × 4/3 है, इसमें भी 12 से गुणा करो तो 3 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। फिर यहां पे 1 में भी हमें 12 से गुणा करना है तो 12 × 1 = 12 आ जाएगा। नीचे देखिए 1/4 है, 1/4 में यदि आप 12 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 3 आ जाएगा, प्लस 3/4 को भी हटाना है तो 3/4 में भी हम 12 से गुणा, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = यहां पे 9 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 64 को जोड़ देंगे तो 79 होगा -12, और 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12। अब 79 में से 12 घटाएंगे, 67/12 हमारा आंसर हो जाएगा। अतः अभीष्ट मान 67/12 है। तो पांचवा सवाल भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।